राजी अब तुम ये जो है तुम लड़की के खातिर कराची की बुराइयां करोगे यार। कराची है ही ऐसा यार, उस दिन मैं आया उधर बेचारी लाहौर की लड़की हुई उसको कराची वाले देख रहे थे ऐसे कुत्ते आके फड़ फड़ के। अब बेटा तुम शाजी मतलब ये दिस इज नॉट टू यार। देखो यार शहर की बात नहीं करो यार। ऐसे तो मैं भी आपको बता दूं कराची की मुझे भी एक ही चीज अच्छी लगती है। क्या गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ टॉक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा तहमूद बेग। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान के दो बड़े शहरों से है जो कि एक कराची है और एक लाहौर है ऑब्वियसली। तो इन दोनों के बीच में बहुत तादाद पाया जाता है और लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, वो वाले कहते हैं लाहौर वाले के कराची वाले ऐसे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ख़त्म करने के लिए, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए मैंने दो दोस्तों को बुलाया है जो कि एक कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, एक लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम भाई। अम्मा बोला आपने, मैंने वेट किया पान के लिए, पता है बताइए जो रहेगा। भाई आप लोग की दोस्ती के बारे में मैं बहुत सुना हुआ था तो मैंने कहा आप दोनों को अपने शो में जरूर बुलाऊंगा। आज पूरा शो मैंने सिर्फ आपकी दोस्ती के लिए रखा है कि पूरी यादें जो भी आपकी स्टोरीज हैं आप वो सुनाएं। ऐसा ना हो कि हम जाते जाते ये बोले यहाँ पे दोस्त दोस्त ना। क्या बात कर रहे हो शाहजी यार, मतलब ऐसा ना बोलो। नहीं नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आप अपनी आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है यार? बस मैं बताता हूँ ना, बस हुआ कुछ यूँ कि आप यूँ समझ ले कि इनके पापा जी जो है, मतलब मेरे डैडी जो है, मैं इनके पापा जी को अपने डैडी कहता हूँ, तो इनके पापा जी यानी मेरे डैडी और मेरे जो बाबा हैं इसको ये ना डैडी कहते हैं। तो हम लोग बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला रिलेशन है ना, मतलब मजा आ रहा है ना आपको सुन के, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हुआ कुछ यूँ कि उनकी शादी और इनके डैडी की शादी यानी मेरे डैडी की शादी और मेरी डैडी की शादी यानी इनके डैडी की शादी एक साथ हुई। तो बस हुई तो फिर हम हुए तो फिर दोस्ती हो गई। यानी हम हमारे आप लोग यार बस मतलब के शादियां स्टार्ट हो रही है तो बच्चे साथ क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल बच्चे शादी के बाद इस चीज में ना कराची वाले लाहौर वाले दोनों पीछे नहीं रहते भाई। इस चीज में तो जहाँ पे मिल जाए। क्या बात है यार, आप लोग की कितनी पुरानी होगी यार? बस यूँ समझ ले फिर का कुछ जमाना नहीं था यार। कैसे मजाक कर रहे यार हमने झूठ बोला था इसमें क्या बड़ी बात। बयान बदलना तो भाई यहाँ बोलो। तो हुआ कुछ यूँ कि शाजी बात क्या हो रही थी, मैं भूल गया जरा। मैं आपके वाकयात यार मतलब वाकयात तो बड़े हैं यार शाजी, वो बचपन के किस्से कहानियां जरा सुनाते तो बड़ा मजा आ जाएगा। बचपन की हो रहा है बचपन की यार, मैं आपको अपनी लव स्टोरी का किस्सा सुनाता हूँ अगर आपका ऑन ईयर का टाइम खत्म नहीं हो रहा। नहीं, तो नहीं, अभी है टाइम है। यार हुआ यूँ कि आपके भाई को शाजी मोहब्बत हो गई ना लड़की से। अब नाम जो है वो बताने नहीं चाह रहे लेकिन नाम तो शुमाइल है क्योंकि ऑन ईयर तो होगा नहीं। मैंने कहा चलो बता दी ऑन ईयर हो गई यार। YouTube चले मैं बीप डाल दूंगा, बीप डाल दीजिएगा जी। तो हुआ क्या मेरी होगी मोहब्बत शुमाइल से। शाजी क्या लड़की थी गजब की यार, माशाल्लाह यार। हाँ। ओ जी होंठ यहाँ तक आता था शाजी ये, ओ माशाल्लाह कमाल होंठ कमाल गाल और माशाल्लाह कान तो ऐसे ये वो नहीं पिंक कान होते हैं शाजी वो कान। तो शुमाइला से ना मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। तो शुमाइला और बड़ा फनी बड़ा रोमांटिक किस्सा सुनाने लगा हूँ। शुमाइला से मेरी बाजी दोस्ती हो गई और शुमाइला को मैंने एक दिन डेट पे बुलाया। अच्छा फिर क्या बोलेंगे मतलब ये फनी इससे मतलब इससे बड़ी फनी क्या बात होगी यार। बंदी किस्सा पूछ रहा था आपने का यार मतलब ये क्या था मतलब व्हाट इज दिस मतलब हो जाता है यार मतलब शादी इसको हर चीज में मतलब पड़ा यार। अच्छा आप लोग के होली है जो आपने ड्रेसिंग की है माशाल्लाह ये शादी लग रहे हैं यार ये सारा शादी। भाई देखें ये तो आपको पता है लुटे पुटे आए थे नंगे पुटंगे, समझ रहे ना नंगे पुटंगे कैसे करते नहीं ऐसे नहीं कहते भाई। ये सलवार पहने हुए थे, उस पर जॉगर पहने हुए थे और एक रंग बड़ंगा सा जो है नारा लटका होता था। अब हम तो पहले बड़ा रिकॉर्ड लगाते थे इनके ना हमारे गली के लौंडे ने, अबे खुर्शीद अबे शकूर किधर जा रहा है। एक टाइम पे इसको शॉकट बोलते थे, शॉकट मेरी खाला का भी नाम था वो आ जाते थे। भारत भाई मैं इनको ले गया एक जगह पे दिखा जूते दिखा भाई ने चॉइस चेक करा। ये देखिए यार ये मैंने इनको देना है, ये हार्ट बीट वाले जूते नहीं ये हार्ट इनके हर एंगल से देखें भाई ये अंग्रेज ने दो दफा पहने दो दफा देखिए मैं सही से तो देखिए। अच्छा हो गया हो गया। और ये ट्राउजर चेक करे ये चेक करे अभी फुल ड्रेसिंग हो गया मेरा भाई लगता ही नहीं लाहौर का यार। ये भाई ये शाजी की मेहरबानी है, शाजी मुझे एक बड़ी महंगी जगह ले गए लाइट हाउस। हाँ भाई वहाँ से ये जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ। अरे छोड़ो अरे खैर हो गई। अरे शाजी बड़ी महंगी शॉपिंग कर रहे हैं और आपके भी बहुत अच्छे स्पाइक बने हुए हैं कपड़े उपड़े क्या लिखा हुआ आपने आई डोंट नो। ओ जी मैंने खुद आज तक नहीं पढ़ा क्या लिखा पढ़ के बताइए। शाजी बस आई एम हैप्पी और सैड क्या मतलब यार? पाजी यार इतने सैड सैड ये वो
यार पाजी, मैं शुमाइला का बताने लगा था, शुमाइला बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन थी यार, वो आजकल नजर नहीं आई मेरे को ना। भाई वो हुआ ये कि आज प्रोग्राम चल रहा है तो मैं अपने दोस्त से, अब मैंने तैयार कर लिया कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मेरा दोस्त तो पक्का, लेकिन कुछ बातें मैंने छुपा ली थी। वो जो शुमाइला पहुंची नहीं थी ना वहां पर, वो इधर मुझसे मिलने आ गई। सॉरी बॉस। हाँ शादी मजाक कर रहे तो वापस ले लो, मैंने चपेट मार देनी है। नहीं ठीक है, शुमाइला मुझसे मिलने आ गई थी यार। शादी बुरा नहीं मानना, होता है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मैं रोता कभी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो ना भी दिल फट रहा है यार। चाची यार, मतलब एक लड़की के लिए यार आपने दिखा दी। नहीं, ये कराची वालों का ना मसला, मैं बता रहा हूँ आप। क्या मसला यार? मतलब आप मेरी लड़की ले गए यार। यार मैं लेके नहीं गया, आपको मुझसे प्यार हो गया था यार। यार मतलब दिस इज नॉट कूल यार, ये मतलब ये इशारेबाजी चल रही है। आपका कैमरामैन कुछ कह रहे हैं यार, मेरी इधर सीरियस बात चल रही है यार। चाची तुमने धोखा दे दिया। मेरी बात सुन ले भाई, मुझे कुछ 4 महीने बाद पता लगा था कि तेरे साथ उसका कुछ सीन था, मुझे कुछ नहीं पता। यार मेरा सीन तो बस ये करके ये होने ही वाला था चाची, तुमने ले ली यार। अबे तो लड़की की कोई अहमियत है हमारी दोस्ती के? उस लड़की की थी शाजी, ये बड़े बड़े गाल। अच्छा छोड़े ना, जाने दे मेरा भाई है ना यार। यार शाजी ये ना कराची वालों की औकात ही ऐसी होती, मुझे ना आपसे दोस्ती नहीं करनी चाहती। अब्बा से कह देना चाहिए था कि शादी जो है ना एक दिन बात लड़की के लिए तू शहर को बीच में, मतलब तू लाहौर वाले कौन से अच्छे हो यार। अब जो हो गया ना, अब हो गया फड्डा। और अगर आप इसी एटीट्यूड से बात कर रहे हो तो शाजी फिर मैंने भी ये यार देख, एटीट्यूड तेरा खराब है यार, आपका तो मुंह खराब है यार। आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहे यार, बकवास तो सुन ले। बंदा पट्टा कर रहा है, तेरे को बात तो पड़ी है। 6 महीने से बंदे यार, तेरी भी करने लगा हूँ। 6 महीने से इसके मुंह से गुटके की स्मेल आ रही है, मैंने कभी इसको नहीं बोला। तू मेरे डिक्शन का मजाक उड़ाने लग गया था, भूल गया तू? हाँ तो चाची तुम अजीब लाहौर वाले, इनसे बोलो अलिफ बोल के। अलिफ बोलो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोलने में क्या जाता है? बोल दूंगा। बोलो अलिफ। आप उनके डिक्शन के बाद बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ शाजी, देख ले। खाने पीने का क्या, आप मुझे कहते रहते थे शाजी के खाने पीने का? आप देखो ना, जितने भी लाहौरी है कभी आधी रात को निकला हो, हर घर से कुत्ते की आवाजें आती है। पूछो क्यों, खराटे की जगह कुत्ते की आवाजें निकालते हैं यार। ये गलत बोले, खराटे की जगह कुत्ते की नहीं, गधे की आवाज आती है। हाँ, गधे की खुद बोल रहा है, खुद कह रहा है। हम लोग सिर्फ गधा खाते हैं ना यार, तुम पर तुम्हारी तरह गधे पैदा थोड़ी करते हैं। देखिए ना गधे पैदा। यार देख तू मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि शाजी मेरी नाना उठाने शाजी मैं बता रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा। आप मेरी सुन रहे हैं? क्या कहते हैं, आप मेरे गेस्ट हैं, आपको मेरी सुननी चाहिए। आप हमारे होस्ट हैं, चाय पूछिए, आपने पानी पूछा, ये इधर कमोड में बिठा दी आपने। 2 मिनट में आप लड़ने लग गए यार शाजी। यार तू कुछ बोलेगा तो हम तेरी सुनेंगे ना। और तू ही ये जो है ना कुठनी औरत का किरदार अदा कर रहा है। अच्छे भले यहाँ पे बाइक पे बैठ के साथ आया, फड्डा करवा दिया तूने हमारा। मैंने क्या फड्डा करा? आप ही कह रहे हो उसकी लड़की इसके पास। मुझे क्या पता अगला बगैरत निकलेगा यार। यार चाची बगैरत नहीं, तो यार तू नीचे कर लो कसम खा के। आप नीचे कर लो यार, चक्की मार दे। यहाँ पे होस्ट हूँ, मेरी कोई सुन रहा? अगर नहीं भाई बातें नहीं सुननी, तू मुझे बात क्या बोला था? शोर खत्म करो यार। एक्सक्यूज मी यार, टोन है शोर यार। टोन क्या हट के रहा यार? टोन क्या, मेरे पापा मोबाइल पकड़ना, मैं शोक बंद कर मुझे लगता है लोग से ज्यादा और शो नहीं करवा सकता मैं। आपको करवाने की बात ना, करता करवाता हूँ बहुत कुछ सकते बेटा। शाजी आपको जो भी बोलना है मुझे इनके बाद बोलना सही, मैं भी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आप लोगों को शो पसंद आएगा, इस शो के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बड़ी बड़ी सी तालियां नहीं देख रहे थे। वैसे ही सोशल मीडिया पे आपके लाइक कितने मैंने खुद देखे बाजी, खुद एक ही लाइक है जो खुद देखते हैं। तू बात ना कर, मेरी सड़ी भी है तुझसे, हट पीछे। यार लड़की मेरी ले रही है, सड़ी भी है। अब तो वो मेरी लड़की तेरी भाभी है ना, लड़ाइयां करनी है ना बाहर जाकर। भाई तेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, तेरा प्रोग्राम खत्म कर, चली जा, निकल। मैं क्यों करूं, मेरा प्रोग्राम है। आप भी जाओ, क्या कर मेरे को नहीं जा रहे ना, क्या कर रहे हो? ये फ्लैश मारा, आओ फ्लैश भी खराब है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, देखते क्या।